अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्मॉल पॉट में लगाने वाले वो प्लांट्स जो आसानी से अवेलेबल भी हो जाते हैं और आपके घर को सजा भी देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये चंद प्लांट हैं जो मैंने स्मॉल पॉट में लगाए हुए हैं। कुछ DIY प्लांटर बना के लगाए हुए हैं, कुछ स्मॉल पॉट्स में लगे हुए हैं, कुछ जो है मिट्टी की मटकियों में भी ग्रो कर रहे हैं प्लांट, और अच्छी तरह से इनकी हेल्दी ग्रोथ हो रही है। बस चंद बातों का ख्याल रखना पड़ता है और प्लांट्स आप लगा सकते हैं छोटे छोटे से छोटे पॉट में भी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से प्लांट लगाए हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये मिनी जेट का प्लांट दिखाती हूँ जो मैंने एक टी पॉट में, एक टी कप में लगाया है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। ये मैंने इसकी कटिंग ली थी और वो कटिंग मैंने लगा दी थी, लेकिन अब इन कटिंग्स से भी काफ़ी जो है नई लीव्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखते देखते जो है, क्योंकि इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा जब गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो जाता है तो इन प्लांट्स के ग्रो होने का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, अब इनकी नई नई लीव्स भी स्टार्ट हो गई हैं निकलना। ये हेल्दी भी रहेगा, तो हेल्दी रहने का तो आम तरीका ये है कि क्योंकि इसको पानी की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं, और मैंने तो इसको ड्रेनेज होल भी नहीं है इस पॉट में, तो ये इसको मैंने इसमें पानी जो है देखकर डालती हूँ। अगर मैं एक दिन डाल देती हूँ तो उसके बाद 3-4 दिन बाद इसको पानी देती हूँ। इसको इतनी पानी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट में भी आप इसको रख सकते हैं, सेमी शेड पर रख लें, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट से इसकी ग्रोथ काफ़ी जल्दी फास्ट होना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप जो है मिनी जेट को भी जो है छोटे से छोटे कंटेनर में भी लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना दूसरा प्लांट। ये प्लांट जो है स्नेक प्लांट है। ये मैंने दो प्लांटर बनाए हैं। एक मैंने DIY प्लांटर बनाया है, एक बॉटल काट के इसमें ये प्लांट जो स्नेक प्लांट है ग्रीन वाला, जो बहुत खूबसूरती से बढ़ता चला जा रहा है, और ये भी एक छोटा सा प्लांट था। और दूसरा मैंने एक प्लांट लगाया स्नेक प्लांट, वो है ये एक छोटी सी खूबसूरत सी मटकी में लगा हुआ ग्रो कर रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी ग्रो है बनिस्बत जो मैंने प्लास्टिक का कंटेनर में लगाया हुआ था। फ्रेंड्स, स्नेक प्लांट को पानी की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी डाल दें तो ये जो है नीचे से गलना स्टार्ट हो जाता है और ये फिर ख़राब हो जाता है। इसको पानी में भी ग्रो करते हैं, लेकिन वो प्रोसेस दूसरा है। लेकिन जब आप मिट्टी में लगाएँ तो इसकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड बनाएँ, और मैंने ये छोटी सी मटकी में डाला हुआ है, और इसमें मैंने रेत का इस्तेमाल किया है, और रेत और गार्डन सॉइल बस लगा के इसको लगा दिया था, और अभी तक मुझे इसमें पता नहीं कि इसके अब कब जाके रूट बॉन्डिंग होगा। तो फ्रेंड, ये तीसरी मटकी में बहुत हेल्दी ग्रो कर रहा है, दिखाती हूँ मैं आपको। देखें कितना बड़ा प्लांट हो रहा है, और नई नई इसमें जो है लीव्स भी निकलना स्टार्ट हो गई हैं। तो जब तक ये इस कंटेनर में है तो ये अपनी ग्रोथ दिखा रहा है, आगे फिर जब हमें बड़े कंटेनर की ज़रूरत होगी तो हम उसमें कर लेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट प्लांट दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट प्लांट ये मैंने जो है लिया था, बेबी सन रोज़ की कटिंग लगाई थी, और ये मैंने कुछ ही दिनों पहले मैंने ये बेबी सन रोज़ की कटिंग लगाई थी, और अब ये देखें पूरा इसका अच्छी तरह से ये भरती चली जा रही है, और ये इतना खूबसूरत कंटेनर लगने लगा है। बहुत ही प्यारा ये प्लांटर बन गया है, क्योंकि इसमें छोटा सा एक फेस भी बनाया था, तो ये बहुत ही खूबसूरती से अपना लुक पेश कर रहा है, और इसमें जब फ्लावर आते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। तो इसमें भी पानी का यही ध्यान रखना है कि पानी आप इसकी टॉप लेयर देखकर ही डालें। अब बात कर लेते हैं एक और प्लांट की। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा और सबका पसंदीदा पोथोस, मतलब मनी प्लांट। ये गोल्डन मनी प्लांट है, और इसको भी मैंने जो है एक प्लास्टिक के ग्लास में जो ग्रो किया है, और इसमें हम नई नई जो है लीव्स निकल रहे हैं, और ये काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहा है इतने छोटे से ग्लास में। अभी मैंने इसको इस DIY कंटेनर में भी नहीं, जो मैंने एक वॉल कंटेनर बनाया था इसमें भी नहीं डाला है, बल्कि ग्लास को इसी के अंदर फिट कर दिया है। और ये देखें एक बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, इसका लुक भी आपको भी पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें भी पानी की रिक्वायरमेंट ये है कि ये भी जो है आप इसको शेड में रखें, मतलब जहाँ ब्राइट लाइट आती हो पानी का ध्यान दें। पानी का ध्यान इस तरह से दें कि इसको जब तक टॉप लेयर सूखे नहीं तब तक पानी ना डालें। और सबसे बेहतरीन बात है कि कोई भी सकुलेंट प्लांट हो या कैक्टस प्लांट हो, वो भी आप छोटे से छोटे कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने कैक्टस की कटिंग लगाई थी, और ऊपर से देखें इसमें भी
शूट्स नई निकल आ रही है और काफ़ी शूट इसकी बढ़ भी चुकी है। तो अभी तो फिलहाल ये इसी कंटेनर में लगा हुआ है, तो ये छोटे से ग्लास जो बनाया था मैंने बॉटल काट के उसमें मैंने इसको लगाया है। ये भी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। इसमें भी पानी की रिक्वायरमेंट इतनी है कि जब टॉप लेयर इसकी सूख जाए तब डालें, वरना आप इसको एक एक हफ्ते में भी पानी डाल दें तो कोई भी इसको मसला नहीं होता है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं एक बेहतरीन प्लांट की, जो एलोवेरा का प्लांट है। एलोवेरा छोटे बड़े सभी कंटेनर में अच्छी तरह से ग्रो कर जाता है और मैंने ये मटकी में लगाया हुआ है जो मिट्टी की है, और ये इसमें भी दो अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसका ये छोटा सा बेबी पप भी निकला था जो अब ये इसके साथ बढ़ता चला जा रहा है और इसमें भी नई जो है लीव्स निकलना स्टार्ट हो गई हैं। तो फ्रेंड्स ये इसमें भी अच्छी तरह से हो जाता है। अब मैं आपको एक और एलोवेरा की वैरायटी दिखाऊंगी। ये मिनी एलोवेरा है, ये छोटे साइज़ में एलोवेरा आपका पौधा होता है और ये देखें कांटेदार पौधा है। इसके बारे में डिटेल वीडियो एक दफ़ा सेंड करेंगे आपको इसकी केयर की, लेकिन ये है मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये भी छोटे से छोटे कंटेनर में अच्छी तरह से ग्रो कर जाता है और इसमें देखें ये बेबीज इसके निकल आ रहे हैं। अगर आप इसके पप्स को ये बेबीज़ को अलग करके छोटे से छोटे पॉट में भी लगा देंगे तो भी वो खूबसूरत नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स ये हुआ एक प्लांट है, बेहतरीन किस्म का प्लांट है एलोवेरा का। इसकी डिटेल वीडियो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि इसकी किस तरह से केयर की जाए और इसको किस तरह से और कहाँ रखा जाए। वैसे ये भी सेमी शेड एरिया का प्लांट है, जहाँ ब्राइट लाइट हो वहाँ आप इसको रखें। साथ ही साथ जो है ये हमारा शेफरेला प्लांट है। शेफरेला छोटे बड़े सारे कंटेनर में बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर जाता है। अगर आप इसको, क्योंकि मेरे पास ग्रीन शेफरेला है, तो ये अगर आप इसको सनलाइट में भी रखते हैं तो भी ये चल जाता है। जो मतलब सुबह की मॉर्निंग की धूप अगर इस पर पड़ती है तो ये चल जाता है, वरना अगर आप इसको, अब जो सीज़न स्टार्ट हो रहा है गर्मी का, इसमें अगर आप बाहर रखेंगे तो ये इसके लीव्स ख़राब हो जाएंगे और ये जल्दी लीव्स जो है झाड़ देगा। तो फ्रेंड्स इसको भी पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस इसकी मिट्टी जो है वो नमी बनी रहे इसमें, तो ये भी बहुत अच्छी तरह से छोटे कंटेनर में चल जाता है। साथ ही साथ जो है पर्पल हार्ट है, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये भी मैंने छोटे से पॉट में रखा हुआ है और इसमें भी इसकी ग्रोथ अच्छी से अच्छी हो रही है। नए जो है इसके पप्स निकल रहे हैं, नए लीव्स इसके आ रहे हैं। अब इसका फ्लावरिंग का सीज़न है तो ये फ्लावर भी प्रोड्यूस करेगा। तो फ्रेंड्स यही मेरे पास जो है अवेलेबल थे प्लांट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर मेरा वीडियो पसंद आया उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।